फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एसएस शाही बाबा। दोस्तों, आप लोगों के लिए फिर एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं, हुंडा डियो। जी हाँ दोस्तों, हुंडा डियो ड्रम पर है। इसके हुंडा डियो BS6 का फीचर आज हम आपको इस वीडियो की ओर से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए, दोस्तों सबसे पहले हम इसका वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, हम सबसे पहली पॉइंट पर बात करें कि BS6 में जिस तरह BS6 के हर बाइक में LED लाइट दिया गया है, उसी तरह स्कूटी में भी LED लाइट दिया गया है। दोस्तों, जब हम चाबी को ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक LED लाइट जलेगा, इसका एक्सीलेटर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी पॉइंट पर हम बात करेंगे कि BS4 वाली स्कूटी में यहाँ पर बैटरी सिस्टम हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ से हटा के थोड़ा करीब नहीं के बाद यहाँ से हटा के यहाँ पर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा में आपको दिखाएंगे, एक बैटरी कनेक्शन यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और इग्निशन स्विच में भी कुछ अलग कर दिया है। BS4 में इग्निशन स्विच का जो फीचर था वो अलग था, और BS6 में इग्निशन स्विच का जो फीचर है वो अलग है, बिल्कुल अलग है। आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं इग्निशन स्विच में क्या चीज़ चेंज किया है, कहाँ से स्विच खुलता है, कहाँ से पेट्रोल फ्यूल खुलता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, हम आपको सो दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं जो इग्निशन स्विच है BS6 में, BS4 में बिल्कुल ऐसे ही सेम था, लेकिन यहां फीचर कुछ अलग कर दिया गया है। हम आपको दिखाते हैं सीट खोल के। दोस्तों ये आपका हो गया है, ये हो गया आपका लॉक, इस तरह लॉक हो गया। दोस्तों इसको हाथ से आप ऐसे करेंगे तो बिल्कुल नहीं खुलेगा, क्योंकि ये लॉक हो गया। इसको खोलने के लिए ये पीछे के ये चाबी के पीछे तरफ जो ये देख रहे हैं आप, इसको देख रहे हैं, इसको आप ऐसे करके ऐसे कीजिएगा, ये खुल जाएगा। देखिए दोस्तों, खुल गया है। और इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसको हम इस तरह करेंगे तो नीचे दबाएंगे तो हमारा सीट का लॉक खुलेगा। देखिए ये हो गया, सीट का लॉक खुल गया दोस्तों। अब आप देख सकते हैं ये सीट लॉक खुल गया है, जब हम नीचे दबाएंगे तो सीट लॉक का है। ठीक है दोस्तों, और हम इसको इस तरह ऊपर दबाएंगे तो ये पेट्रोल फ्यूल का खुल गया है। यहाँ पर आपका पेट्रोल आप डलवा सकते हैं। BS4 में सीट के नीचे पेट्रोल टैंकी का ऑप्शन था कुछ पेट्रोल डालने के लिए, और BS6 में सेट कर दिया है इसको, इसको अलग कर दिया है। आराम से आप आसानी से पेट्रोल टैंकी में पेट्रोल डला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, हम अगली पॉइंट पर बात करेंगे कि फुटरेस्ट लगाने का जगह कुछ ही यहीं पर है, लेकिन हल्का हल्का डिफरेंस क्या है वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो मैकेनिक भाई को समझ में आएगा, क्योंकि जो पुराना BS4 वाला फुटरेस्ट है वो BS6 वाली स्कूटी में फुटरेस्ट नहीं लगेगा, लेडीज़ ऊपर रखने का होता है। ठीक है दोस्तों, आप आसानी से समझ सकें इसलिए हम साफ साफ लफ्ज़ों में बोल रहे हैं और ज़्यादा इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा इंग्लिश पढ़ें भी नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और अगली पॉइंट पर हम बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम बात करें कि सेल्फ इशूज तो BS4 से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलो सो गाइस, कैसे लगे वीडियो? वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें SS शाही बाबा चैनल को। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, क्या कुछ जानकारी मिली है BS6 के बारे में, BS6 स्कूटी के बारे में। सब दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही जानकारी और हेल्पफुल वीडियो हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।